100 ग्राम पनीर, 2 टेबलस्पून मिल्क, 1 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर, 1/4 टीस्पून रोज एसेंस, 1/4 कप अंगूर बारीक कटा हुआ, 1/4 कप अनार बारीक कटा हुआ, 1/4 कप संतरे बारीक कटे हुए, 1/4 कप स्ट्रॉबेरी बारीक कटी हुई, 1/4 कप खरबूज। डेकोरेशन के लिए सिल्वर वर्क। फ्रूट संदेश बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को कद्दूकस करेंगे। अब इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। दूध, पिसी हुई शक्कर, रोज एसेंस, सारी चीजों को मिक्स करके मिक्सी में मुलायम पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमने पनीर का एक मुलायम पेस्ट तैयार किया है। अब इसे हम एक ग्रीस की हुई प्लेट पर फैलाएंगे। पनीर की लेयर तैयार हो चुकी है, जिसमें पनीर, शक्कर, दूध और एसेंस को मिक्स करके हमने मिक्सी में मुलायम पेस्ट बनाया और अब इसे ग्रीस की हुई प्लेट पर हम फैला रहे हैं। ये लेयर आप पतली या मोटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसके ऊपर मैं बारीक कटे हुए फ्रूट्स की लेयर डालने वाली हूँ। फ्रूट संदेश में पनीर के लेयर के ऊपर हम बारीक कटे हुए फ्रूट्स की लेयर देंगे, जिसे हम एकदम बारीक कट करेंगे। जैसे अभी मैं अंगूर कट कर रही हूँ, अनार, संतरा, स्ट्रॉबेरी, मौसम्बी, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी बारीक कटी हुई। इस तरह से फ्रूट्स की लेयर के लिए हमने सारे फ्रूट्स को बारीक बारीक काट लिए। अब इसे हम पनीर की लेयर के ऊपर सेट करेंगे। संदेश के लिए सबसे नीचे हमने पहले लेयर दी पनीर के पेस्ट की और उसके ऊपर फ्रूट्स की। आप चाहे तो इसमें एक और लेयर पनीर के पेस्ट की और दे सकते हैं ऊपर, और यदि कलरफुल आप दिखाना चाहें तो इसमें पनीर में हम हल्के से अलग अलग कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे नीचे वाली लेयर हमने व्हाइट ली, फिर उसके ऊपर फ्रूट्स की लेयर ली, फिर वापस से हम पनीर जिसमें कि हम ग्रीन कलर या रेड कलर मिलाकर लेंगे, और फिर थर्ड, फिर वापस फ्रूट की लेयर, और वापस से तीसरे कलर की लेयर पनीर वाली हम डालेंगे। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से फ्रूट्स और कितनी लेयर का संदेश आपको बनाना है ले सकते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट करेंगे। इस तरह हमने फ्रूट संदेश को तैयार किया, फ्रिज के अंदर ठंडा किया। अब इसकी करेंगे हम सुंदर सी प्लेटिंग। पहले कट लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम सिल्वर वर्क लगाएंगे। खरबूज गोल गोल कटे हुए, स्ट्रॉबेरी के स्लाइस, बीच में डालेंगे हम ये फ्रूट संदेश।